आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F55 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की वीडियो कॉल की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके फोन में वीडियो कॉल की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपको अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सिस्टम ऐप लिखा हुआ है ना, इसे टैप करना है। इस पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको एंड्रॉइड सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड स्टोरेज पे आपको टैप करना है। यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका ये कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके फोन में जो कॉलिंग का ऐप है, इस कॉलिंग के ऐप को उंगली से दबा के रखना है। आपका एक छोटा सा पेज आता है, इसमें आपको कोने में देखिए सर्कल के अंदर आई बटन बना हुआ है ना, इसे टैप करना है। आपका ये ऐप इन्फो का पेज आएगा, इसमें आपको नीचे की साइड स्टोरेज पे टैप करना है। अब यहाँ पर भी आपको क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, तो आपका ये कैच के सामने डेटा ये जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है। नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आता है, इसे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे टैप करना है। आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए आपको फोन का ना सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको ऑप्शन मिलता है फैक्ट्री डेटा रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में फैक्ट्री डेटा रीसेट का ये ऑप्शन दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।